नाम डॉक्टर सरफ है और मैंने MBBS किया हुआ है। तो मुझे हाउस जॉब के फौरन बाद एंग्जाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर हो गया था, एक्टिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसका डॉक्टर्स मेडिकल साइंसेज में जिसका इलाज सिर्फ मेडिसिन ही है और साइकोथेरेपी और जो भी सेशन वगैरह साइकोथेरेपी हुआ, तो वो मेडिसिन मुझे दे दी गई और मैं तकरीबन 7 साल वो दवाइयाँ खाती रही और उनके साइड इफेक्ट्स बेतहाशा होते हैं। सारा रात आप जागते रहते हो, सारा दिन सोते रहते हो, जहन माउथ रहता है, कोई भी काम आप नहीं कर सकते सही तरह से। तो पूरे लाहौर के जो साइकेट्रिस्ट हैं उन सब के पास में गई, उन सब ने यही कहा कि ये बस आपको हमेशा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ये किसी तरह भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उस दौरान ही मेरी 2 दफ़ा शादी हुई और 2 दफ़ा डिवोर्स हो गई इसी एंग्जाइटी डिप्रेशन से, और एक मेरी बेबी भी हुआ और वो भी ससुराल वालों ने इसी वजह से ले लिया कि मैं बीमार हूँ। तो अब सिचुएशन ये थी कि मैं जॉब भी नहीं कर सकती थी और जैसे आप बिल्कुल एक जीरो पे बल्कि उससे भी नीचे चले जाते हो, टोटल फेलियर। तो उस वक्त फिर मुझे दुआ मिली सूरत रहमान 7 डेज मैंने सुनी और साथ अल्लाह वाला पानी पिया और जो अंडरलाइन मैसेज है कि सबको माफ़ करते हैं, क्योंकि मैं यही समझती थी कि सब कसूर दूसरों का है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, सब ने मेरे पे जुल्म किया है और मैं किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब मुझे कहा गया कि सबको माफ़ कर दें, दिल को साफ कर लें और वो मैंने कह दिया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी दुआएं छूट गईं और मुकम्मल तौर पे, यानी कि ये एक मिरेकल ही है मेडिकल साइंसेस में, कैसे नहीं होता, आपको हमेशा लेनी ही पड़ती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इस ट्रीटमेंट से मेरी दवाइयाँ छूट गई। इसके अलावा हाइपरटेंशन भी मुझे हो गई थी, वो भी इस इलाज से मेरी वो भी मेडिसिन छूट गई और पेल्पिटेशंस और जो भी और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते थे। तो मुझे पता यही चला कि ये जो सारी इलनेस है, जो इस दुआ का जो एक अंडरलाइन मैसेज है वो ये है कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। मुझे यही समझ आई कि वो सब मेरे अंदर ही नफरत थी, मैं दूसरों से नफरत करती थी, अपने आप से करती थी, कहीं मैं ज़ालिम थी कहीं मज़लूम थी। और जब उन दोनों चीज़ों की मैंने माफ़ी अपने आप को भी कराई, दूसरों को भी कराई, तो मैं उन बीमारियों से बाहर आई। नफ़रत हर बीमारी की जड़ है और बेगर्स प्यार शिफा है। तो ये दुआ और ये जो इलाज है, तरीका इलाज है, इससे आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि आप ना सिर्फ फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपको शिफा होती जाती है, आप सही होते जाते हो, नॉर्मल होते जाते हो आप इससे, जो जैसे कि हमें होना चाहिए, जैसे अल्लाह हमसे चाहता है, ऐसी मेरी फीलिंग है इसके बारे में।